आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में सोमवार को आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में अपर नगर मजिस्ट्रेट मनी अरोरा के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। आम आदमी पार्टी पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने बड़े पूंजीपति मित्रों को बचाने का काम कर रही है, लेकिन आप पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झूठे मुकदमों में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया। इस घृणित कार्य का आम आदमी पार्टी विरोध करती है। उन्होंने मांग की है कि डिप्टी सीएम को रिहा किया जाए और पार्टी के नेताओं पर जो फर्जी मुकदमे लगे हैं उनको वापस लिया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर सरकार का जीना हराम करने का काम करेगी। नहीं, विश्व के एकमात्र शिक्षा मंत्री जिन्होंने गरीबों के बच्चों को आलीशान विद्यालय बना करके गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का इतिहास रचा है, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देश का एक एक नागरिक एक एक व्यक्ति जानता है कि दिल्ली में शिक्षा पे कितना काम हुआ है। आज हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री को किस तरीके से झूठे आरोप लगा करके उनको जो है फंसा करके सीबीआई के माध्यम से जेल में डालने का काम किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार में 75 में से 72 प्लाट लेने वाले जो है मंत्री हैं राकेश सचान जी, क्या उनके खिलाफ योगी जी और मोदी जी एफआईआर कराएंगे? केवल इतना जानना चाहता हूं, 75 में से 72 प्लाट उन्होंने अपने नाम करा लिए हैं और वो कैंसिल भी हो गए हैं, उनका जुर्म साबित हो चुका है, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है। ये संविधान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। केवल और केवल बदले की भावना से जो वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है, इसे आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी वो कार्रवाई करेगी। इन्हें गवाही मौजूद नहीं मिलेगी, इनको कोई गवाह नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या मांग करना चाहते हैं। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर मनीष सिसोदिया जी ने एक रुपए का भी अगर घोटाला किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ राकेश सचान जी ने 75 में से 72 प्लाट अपने नाम करा लिए हैं। मोदी सरकार और योगी सरकार अपने आप को ईमानदार सरकार बनती है, उनके खिलाफ एफआईआर कराए, और नहीं तो हम आज आपको इतने मीडिया के बारे में बता रहे हैं कि हम उनके खिलाफ एफआईआर के कोर्ट के माध्यम से एफआईआर कराएंगे। आज जो मनीष सिसोदिया पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उसको लेकर भी भाजपा ने उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और हमारे अन्य नेता राज्यसभा सांसद जी को और उनके साथ अन्य नेताओं को लेकर पुलिस ने कस्टडी में रखा है, उसको लेकर आज हम डीएम कार्यालय पर आना हुआ है और इस बात को हम अवगत कराना चाहते हैं। देखिए सिसोदिया जी पर जो एक बहुत ही अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के, जिन्होंने आज शिक्षा को बहुत अच्छे ऊंचाइयों को पहुँचाया है। हम दिल्ली के भविष्य को लेकर एक कहना चाहेंगे कि जो शिक्षा का स्तर उन्होंने बढ़ाया है आज के दौर में, तो हिंदुस्तान में ही नहीं, देश में नहीं, विदेशों तक में उनकी बड़ी चर्चा हो रही है, जिसको बीजेपी सहन नहीं कर पा रही है और उनको बिना किसी आरोप के अरेस्ट कर लिया गया है। इसको लेकर हम जेएम साहब के यहाँ पर आए थे। क्या मांग की है आपने ज्ञापन के माध्यम से? ज्ञापन के माध्यम से हमने जो मांग की है कि उनको जो उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं है उनको छोड़ा जाए, और जो आम आदमी पार्टी काम कर रही हो उनको कंधे दिया जाए। इस मौके पर आपकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रीता पाल, दारा अली, शिव कुमार, मोहम्मद नईम अंसारी, यूनुस मलिक, राशिद सैफी, कासम खान, यासीन मलिक, मुशाहिद हुसैन, मोहम्मद आमिर, अल्ताफ अली, जहीर आलम, पूनम सागर आदि भारी संख्या में आप नेता व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे।